चुनाव से पहले की बात हो या चुनाव के परिणाम आने के बाद की बात हो, लगातार महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरती आ रही है। और अब उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोला है। कांग्रेस की सरकार अगर आती तो हम ये कार्य करते, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं जो हमारे सामने सरकार बैठी है वो करेगी तब देखेंगे, जब वो करेगी तब देखेंगे, जब देखेंगे। जैसे हम पहले बिजली, महंगाई, अवैध खनन सहित कई मुद्दे ऐसे रहे जिन पर कांग्रेस हमलावर रही। और इसी के साथ दूसरी ओर पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी और हरिद्वार ग्रामीण विधायक ने भी हरिद्वार पर पुलिस उत्पीड़न मामले पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध किया है। आपको बता दें कि महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया। महंगाई के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायक वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। विधायकों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने, टैक्स में कटौती करने, गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस उपलब्ध कराने की मांग की है। विपक्ष की ओर से वेल में 10 मिनट तक जोरदार हंगामा हुआ और नारेबाजी के बाद विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग नहीं चलेगी।